गंदा एक्सीडेंट हुआ है। और ये ठोका किसको है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। एक और गाड़ी और एक गंदा मारा भाई HR। ये बस वाला पे बस वाला ये हो गया बंदा शुरू ड्यूक 390 या जो भी बाइक है वो लेके बिना राइडिंग गियर पहने और पजामा सा पहना हुआ है बिल्कुल लहरा रहा है। हेलो गाइस व्हाट्स अप दिस इज विकेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग आज हम लोगों का है डे 14 और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं टुवर्ड्स दिल्ली। चंडीगढ़ हम लोगों को रुकना पड़ गया था, काफ़ी लेट नाइट पहुँचे, 9:40 हो चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन एंड ऑल। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग दिल्ली के आगे एक्सटेंड करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आगरा या फिर ग्वालियर, इन दो जगह में से कुछ कहीं पर रुकेंगे, डिसाइडेड नहीं है। बट अभी आगे जितना कवर अप कर पाएंगे हम लोग दिल्ली से क्रॉस करने के बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम 12:31 और 12:31 के से अगर आप 4 आवर्स लगाते हो तो अराउंड 4:30 के हम लोग दिल्ली तक होंगे। बट वही है कि वहाँ पे वो वन वे करके और पूरा कांड हो रखा है उस रोड का, तो कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा दिल्ली क्रॉस करने में। विल सी इफ़ यू कैन गेट सम आउटर रिंग रोड जहाँ से हम लोग दिल्ली डायरेक्ट क्रॉस कर जाए, दिल्ली के अंदर एंटर ना करना पड़े, और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग न्यू हो और लद्दाख वाली सीरीज़ नहीं देखी है देन डू वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट, अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो पोस्ट हैं वो सारे मैंने इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल, यू कैन चेक आउट देयर। लंच ऑलमोस्ट ब्रंच हो चुका है हम लोगों का, तो लंच होगा नहीं तो डायरेक्ट खींचेंगे हम लोग जहाँ तक जाएंगे। ये हो गया बंदा शुरू ड्यूक 390 या जो भी बाइक है वो लेके बिना राइडिंग गियर पहने और पजामा सा पहना हुआ है बिल्कुल लहरा रहा है। तो ये चीज़ मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है इवन हम लोगों के लिए भी, और तुम तो तुम्हारा तो है नहीं ज़्यादा कुछ राइडिंग गियर पहन नहीं रखते हो, तो कभी भी रेस मत लगाओ। हम लोगों का क्या है, हम लोग 90-100 पे लॉन्ग खींचते हैं और इन लोगों का क्या रहता है ये थोड़ी देर दौड़ाएंगे फिर रुक जाएंगे, बट ऐसे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, सो डोंट डू दिस। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हरियाणा। बहुत ही मस्त सा त्रिशूल वाला बनाया हुआ है हरियाणा, एक्चुअली कुरुक्षेत्र वाला वो सिंबल सा बनाया गया है क्योंकि पानीपत सोनीपत ये सब यहीं पड़ते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। गंदा एक्सीडेंट हुआ है और ये ठोका किसको है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसी अपने में बच गया मेरे को यही लग रहा है, सो गया होगा। यहाँ पे ट्रक वालों को बहुत वो रहता है, तो भाई लोग कभी भी ट्रक वाले से चलो दूर दूर चलो, नींद लेते नहीं है, पूरी खींचते रहते हैं फालतू का। एक और गाड़ी और एक गंदा मारा भाई HR। ये बस वाला पे बस वाला मारा है, अरे बस वाले को तो कुछ नहीं हुआ, बस वाले को वैसे भी क्या होगा, पूरा तो लोहा भाई साहब। सो गाइज अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं करनाल और अभी टाइम हो रहा है 2:05, मतलब 2:05 हो चुका है। ट्रिप मीटर अभी हम लोग को दिखा रहा है 4751। लेट्स सी क्या बनता है, हम लोगों को कितना टाइम लगता है, लेट अभी जाके पता लगेगा। होपफुली हम लोग टाइम पे पहुंच जाए क्योंकि 9 बजे हम लोगों को दिखा रहा है आगरा पहुंचने का टाइम। तो और रात में UP एंटर करना आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन, क्योंकि एक तो रोड ख़राब है प्लस ऊपर से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। चलें तो भाई लोग अपने को मिला है अपना फेवरेट गन्ने का जूस, हम लोग बस सोनीपत से थोड़ा सा दूर है और मस्त 50 किलोमीटर थोड़ा होता है, दो ग्लास लगा दो भाई ठंडा है, हाँ बर्फ डाल दो। तो ये अपना फेवरेट है बहुत, मतलब 4-5 साल हो गए होंगे मैंने पिया नहीं भाई, हाँ 4-5 साल से मैंने पिया नहीं है, तो आज मज़ा आ जाएगा। आज बीट द हीट विद गन्ने का जूस, तो उसके बाद में फिर हाईवे पे दौड़ाएंगे। तो झूले हैं दोस्तों झूले, और हम लोग हैं लद्दाख से वापस वाली राइड पे, हाईवे रन चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है,
हम लोग मनाली के मतलब मस्त ठंडे वाले बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ देख के आए, और अब यहाँ के हम लोगों को ये राइडिंग गियर का मैंने सब वेंट खोल दिया है और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी हम लोगों ने ले लिया है दिल्ली के बाहर से ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि हम लोगों को कनेक्ट करेगा सीधा यमुना एक्सप्रेस हाईवे, और वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे आगरा। तो जैसे पहले जो दिखा रहा था हम लोगों को आगरा पहुँचने का टाइम, वो दिखा रहा था 9:30 बजे तक का, और अब सीधे जैसे ही हम लोगों ने किया सीधा 1.5 घंटा कम हो गया। तो सही है, सेट है, टाइमिंग से बस पहुँच जाएँ और अपने को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा राइड। यहाँ से 4 घंटे की राइड में अगर हम लोग आगरा पहुँच रहे हैं तो नॉट बैड। उधर से आगे जो भी खराब वाला रूट रहेगा एटलीस्ट वो दिन में कवर हो जाएगा हम लोगों से। तो बाई एंड ऑफ टुमारो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सागर या नागपुर में कहीं रहेंगे। तो ये वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल का टोल गेट, और आई होप अपने को बाइक का जो टोल है वो ना देना पड़े, क्योंकि अपने को जाना है सीधा। लेट्स सी, बाइक वाला तो निकाल रहा है, निकाल लेना सीधे। चलो अभी 51 का रेंज रह गया है और हम लोग मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। और अपने को अभी ढूंढना है पेट्रोल पंप, बट यहाँ पे एक चीज़ ख़राब लगी कि लाइट बंद नहीं है, तो लोग कैसे भी निकाल रहे हैं। अपने को मिल गया है HP का पेट्रोल पंप। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अचंभित होते हैं पेट्रोल के प्राइस से कि पेट्रोल का प्राइस कितना है, और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 98। अरे भाई मज़ा आ गया, UP में कम है ना पेट्रोल का। चलो अच्छा है, सस्ती जगह से भरवाएंगे। अरे भाई आराम से स्कूटी वाले, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। तो हर जगह का जो ट्रैफिक था वो एक्सपीरियंस कर लिया, यूपी का रह गया था यूपी का भी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे, क्या बात है। अब यहाँ से अपने कुछ भी नहीं मिलेगा, बीच में रुक के एक बार मार लेते हैं ये थोड़ा सा चेन ल्यूब चेन क्लीन। तो अभी अपना चेन ल्यूब और बाकी सब कुछ हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं सनग्लासेस रख लेता हूँ अपना अंदर, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं लग रही है। एंड दैट्स राजेश भाई जो अभी तक लेह लद्दाख राइड से आके वापस टिके हुए साथ में और जयदीप इज़ गोइंग टू जॉइन टुमारो। ये आगरा के पेठे खाएँगे, हाँ आगरा के पेठे खाएँगे पहुँच के, वाइब्स आएगी वाइब्स। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा। एंड हियर वी एंटर्ड यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, और हम लोग ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा सनसेट से पहले पहले जितना कवर कर लें उतना बेटर है, क्योंकि हम लोगों को रुकना है। और यहाँ पे देखो हर चीज़ प्रॉपर लेन में है। ओके दिस इज़ 4 लेन मतलब 8 लेन हाईवे है, तो अच्छा है। और यहाँ से JP ग्रीन सिटी, ग्रीन स्पोर्ट सिटी आ जाता है, बहुत अच्छा। यहाँ से आगरा का डिस्टेंस दिखा रहा है 184 किलोमीटर, नॉट दैट मच, 554 हो रहा है। एस्टिमेटेड टाइम जो हम लोग को दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 8 o'clock, तो अपने को उस हिसाब से टाइमली पहुँच जाएंगे और विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये है यमुना एक्सप्रेसवे का टोल गेट। नहीं नहीं आगे। अभी का सीन ये है कि हम लोग जो टोल गेट है वो क्रॉस कर चुके हैं, और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है राइट साइड में सनसेट होने वाला है। तो 6:12 हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली बाई 7 o'clock सनसेट हो जाएगा, और हम लोगों का प्लान है पहुंचने का बाई 8 o'clock। यहाँ पे जो बाइकर्स के लिए जो टोल लगता है वो है डायरेक्ट आगरा तक का 205 रुपये। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अलग से बना रखा है। बहुत अमेजिंग प्लान करके हर चीज़ बनाई है, बहुत सही। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं आरत रिटर्न को यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर लेके आऊँ,
बट अमेजिंग वाला फील है। यहाँ पे है हम लोगों का जो पब्लिक कन्वीनियंस, रेस्टोरेंट और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देते कहीं पे बाइक पे और देखते हैं खाते पीते कुछ थोड़ा बहुत। ये इतना ही यहीं लगा देते हैं। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट टोल ऑफ यमुना एक्सप्रेस हाईवे। टाइम हो रहा है 8:19। काफ़ी स्मूथ रही राइड एंड हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे उसी टाइम के हिसाब से हैं। बट ये भी समझ में नहीं आई मेरे को। ओह अच्छा, ये सीन है। तो यहाँ पे एक्चुअली बाकी सारे लेन्स क्लोज हो रखे हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, ये तो कर ही रखा है, यहाँ पे दिखा देते हैं जो भी है। नहीं नहीं स्लिप दिखाना है, यही लास्ट है ना टोल, तो ये था लास्ट टोल। और यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे होटल का वो देख लेते हैं एक बार। आगरा हम लोग एंटर कर चुके हैं ऑन टाइम, जैसा कि प्लान किया था। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकलते तो बिल्कुल 6 बजे पहुंच जाते, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी। बट यहाँ पे देखो वेलकम टू यूपी, आपको पूरा गुटखा वुटखा वाला शॉप्स दिख रहा है लेफ्ट में। चलेगा डाल देंगे थोड़ा बहुत, मजाक चलता है। ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं भाई, वेलकम टू आगरा, यहाँ पे हर कोई भाग रहा। हम लोग पहुँच चुके हैं होटल द ताज विलास, जहाँ पे आज हम लोग रुकने वाले हैं। अरे डोगू डोगू, ये है हम लोगों का होटल आज। और गलती से हम लोगों से हो क्या गया है कि 2 रूम बुक हो गए हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज मज़ा आएगा आज, लग तो होटल अच्छा रहा है।